बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति के लोग नैनीताल में रामनगर, पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा, देहरादून में विकास नगर और डोईवाला तथा उधम सिंह नगर में बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर तथा रामनगर क्षेत्रों में 173 गांवों में रहते हैं। ये अपने को पवार वंशीय राजपूत मानते हैं। बोक्सा समुदाय के लोग सर्वप्रथम शारदा नदी के किनारे बनबसा में आकर बसे थे। ये स्थान चंपावत जिले में स्थित है। मान्यता है कि ये इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। बोक्सा समुदाय की 5 उपजातियां हैं, जिनमें कि यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा व तुनवार हैं। बोक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। बोक्सा जनजाति के लोग दूसरी जनजाति में विवाह नहीं करते हैं। बोक्सा समुदाय के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये मुख्य रूप से ग्राम खैड़ी देवी, जिसे कि भवानी भी कहा जाता है, तथा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। ये कल्पित आत्मा के रूप में बुज्जा की पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति के त्योहारों में चैती, नौबी, रामलीला, दिवाली, तेरस व होली प्रमुख हैं। बोक्सा समुदाय के प्रमुख चैती त्यौहार के अवसर पर प्रतिवर्ष अप्रैल माह में उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर नामक स्थान पर चैती के मेले का आयोजन होता है, जिसमें कि बोक्सा समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। बोक्सा जनजाति के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन एवं दस्तकारी है।